हाँ जी बोलिए। रोहन है क्या? आप कौन? मैं दिलजीत सिंह। ओके रुकिए मैं बुलाता हूँ। एक छोटी सी डील सैंक्शन करने को बोला है, तुम लोगों से वो नहीं हो रही। I'm sorry, sir. सर आपका कोई दोस्त दिलजीत आया है? हाँ सर, आज शाम को मैं उनका फॉलोअप। तुम्हें पता नहीं है कि इस डील से कितना प्रॉफिट होगा हमें। हाँ। मुझे आज के आज ये डील डन चाहिए। ठीक है सर। अरे दिलजीत आजा यार। अरे रहने दे आजा। अरे यार ठीक है चल। कैसा है भाई? वधिया है मेरे भाई, वधिया है। आजा यार, इतने सालों बाद तुझे मेरे घर का एड्रेस कहां से मिला? हाँ यार बताता हूँ तुझे बाद में। अच्छा क्या पिएगा? बस यार मैं चाय लूंगा यार। चाय? यार चाय को पीने की चीज है यार, तू पीना है तो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक मांग, जूस मांग, मिल्कशेक मांग, मतलब तू मॉकटेल मांग ले यार। तू चाय मांग रहा है क्या यार? पर बस मैं चाय पीता हूँ यार। चल ठीक है। संतोष एक कप चाय बना। और बता यार क्या काम करते हैं आजकल, बिजनेस क्या है? बस यार वही अपना फाइनेंस का ही काम है। फाइनेंस का काम? वही तेरा पुराना, तेरे पापा वाला अभी भी चल रहा है? हाँ हाँ वही पापा का। अच्छा हाँ रोहन ये तेरे लिए। चला तुझे मैं मेरा घर दिखाता हूँ। रोहन अरे रुक तो सही, आ तेरे यार की तरक्की देख। मेरी बात सुन। अरे बैठ ना यार। अरे उठ तो सही, कुछ पुरानी बातें करें, कुछ पुरानी बातें भी करेंगे। तू उठ तो सही, चल मेरे साथ। अरे यार तू भी आजा आजा। अरे यार ठीक है चल। और बता यार मेरा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार। तूने कभी अपने पुराने दोस्तों को या पुरानी बातें जो हमारे पुराने सर थे उनसे कभी बात या उनसे मुलाकात की तूने? देख यार पुराने दोस्त और पुरानी बातों को याद करके कोई आगे नहीं बढ़ता। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पुराने दोस्त और पुरानी बातों को छोड़ना पड़ता है। चल छोड़, मैं ना अभी रिसेंटली यूरोप गया था, वहां से चॉकलेट लेके आया हूँ। लिखा? नहीं यार मैं चॉकलेट्स नहीं खाता। अरे खा के देख, तूने कभी खाई नहीं होगी। नहीं यार नहीं, मैं चाय पीऊंगा सिर्फ। अच्छा मेरा लैपटॉप दे। ये देख, मैं ना भी रिसेंटली यूरोप के टूर पे गया था। ये पेरिस की फोटोग्राफ्स है तेरी भाभी के साथ और तेरे भतीजे के साथ। बहुत मजा आया यार। जिस होटल में हम लोग रुके थे ना यार, वो होटल 7 स्टार, ये एफिल टावर के पास खड़े थे। फिर वहां से इटली भी चले गए हम लोग। अच्छा ये देख, फिर वहां से ग्रीस गए, स्विट्जरलैंड गए। भाई स्विट्जरलैंड में बर्फ, अत की बर्फ, इतनी बर्फ, मजा आ गया भाई। रोहन अब मैं चलता हूँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा काम भी है। फिर मैं मिलूंगा ना यार, फिर मैं निकलता हूँ ठीक है ना? अरे तू रुकना, कहाँ जा रहा है यार? फिर मैं आऊंगा। अरे बैठ यार, एक तो इतने सालों बाद तो तू आया। नहीं नहीं यार रुकना यार, फिर आऊंगा मैं। बैठना दिलजीत, फिर आऊंगा, प्लीज जरूर आऊंगा। दिलजीत क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? अरे यार तू भी यार, गाड़ी खराब हुई है, पेट्रोल खत्म थोड़ी हुआ है। आजा आजा। अरे नहीं यार मैं चला जाऊंगा यार। अरे आजा छोड़ देता हूँ आजा। अरे यार मजाक करा था, आजा। चल ठीक है छोड़ देना। ये गाड़ी अभी ली मैंने,
इच्छा तो मर्सिडीज लेने की थी, बट फिलहाल काम चलाने के लिए ले ली। हाँ यार, तू ले सकता है ये काम चलाने के लिए। वो टैबलेट देना यार जरा। ओए, तेरे पास ये घड़ी कहां से आई? अरे दिखा यार। अरे यार छोड़ यार तू। ये घड़ी तुझे कहां से मिली? क्या यार, छोड़ना घड़ी को। अरे ये घड़ी तो हमारी कंपनी ने सिर्फ 3 पीस बनाए थे, तुझे कहां से मिली? मेरे दोस्त विशाल ने दिए मुझे। विशाल सर तेरे दोस्त हैं? हाँ। वो मेरे बॉस हैं यार, तेरी बात कराता हूं उनसे। अरे यार रहन दे रहन दे। अरे एक मिनट रुक तो सही यार। तू भी यार। हेलो। हेलो विशाल सर। हाँ रोहन बोल बोल। एक्चुअली सर आपके फ्रेंड मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे फ्रेंड कौन? दिलजीत नाम है सर। दिलजीत? अच्छा मेरे बॉस है, बात कर ले। हेलो विशाल। हाँ दिलजीत। हेलो। हाँ दिलजीत सर। ये मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ हाँ सर। हाँ सर मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? जी 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 सर। हाँ सर। अरे रोहन। हाँ। तू हमेशा पूछता था ना भाई, ये कंपनी में फाइनेंस कहाँ से आता है? तो सुन, हमारी कंपनी में मैं तो सिर्फ 30% का पार्टनर हूँ, 70% के साइलेंट पार्टनर दिलजीत सर है। तो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करना, वो तेरे बॉस है, ठीक है? दिलजीत सर, मेरे को आपने पहले नहीं बताया। ये तुझे देने ही तो आया था प्रमोशन लेटर। रोहन अगर तुझे परमात्मा दे तो तू जरूर ले, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसे ऊपर उठाने के लिए। तुझे पता है ये क्या है? एक रुपया। जिसे इसकी कीमत का पता होना, उसके पास करोड़ों आने पर भी उसका घमंड नहीं करता। जा